ये है ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जी का घर। हेमा मालिनी जी को तो आप लोग जानते ही हैं, धर्मेंद्र पाजी की वाइफ हैं। और देखिए बगल में स्क्रीनशॉट लगाया हूँ, ये स्क्रीनशॉट इसी गेट का है। जब सुपरस्टार सिंगर में हेमा मालिनी जी को मनी का गाना बहुत ही पसंद आता है और वो उसे अपने घर पर इन्वाइट करती हैं, तो वो अपनी माँ के साथ जाता है, तो काफ़ी वहाँ पर अंदर का भी सीन दिखाया गया है। तो अभी मैं आपको आगे वो भी दिखाऊँगा। तो गाइज बहुत ही शानदार बंगलो है ये। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस के व्लॉग। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं हेमा मालिनी जी का घर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हेमा मालिनी जी अपनी दो बेटियों के साथ खुद अपने घर में रहती हैं। वो यहाँ पर सनी देओल, बॉबी देओल और धर्मेंद्र जी के साथ नहीं रहती हैं, उनका एक अपना अलग घर है जो कि मुंबई के जुहू में ही स्थित है, जहाँ पर धर्मेंद्र पाजी का घर है, सनी देओल जी का घर है, उससे करीब 900-800 मीटर की दूरी पर वो अपने घर में खुद रहती हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको उन्हीं के घर का ब्लॉग दिखाने वाले हैं और बताने वाले हैं उनके घर की प्राइस क्या है और वो अपने घर में अलग रहती क्यों हैं, उस घर में क्या क्या खासियत है। और दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले डांस इंडिया डांस के मंच पर से एक गाँव का लड़का वायरल हुआ था और वो लड़का हेमा मालिनी जी को और ईशा देओल को इतना पसंद आया कि उन्होंने उसको अपने घर पर भी इन्वाइट किया था। तो ये घर पूरा दिखाया गया था जब वो एंट्री कर रहा था, तो वो मैं थोड़ा सा स्क्रीनशॉट आपको लगा दूंगा। तो गाइज आज की इस वीडियो में उन्हीं के घर का ब्लॉग दिखाने वाला हूं। तो चलिए गाइज वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आपको बता दें बॉलीवुड में ड्रीम गर्ल के नाम से मशहूर अभिनेत्री हेमा मालिनी जी का यही आलीशान घर कह लीजिए या बंगला कह लीजिए यही है। देखिए आप लोग, इसमें भी दो गेट लगे हुए हैं और पूरा व्हाइट कलर से ये बंगलो कलर किया गया है। आपको बता दें कि फिल्म सौदागर से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली हेमा मालिनी ने भले ही फिल्मों से दूरी बना ली हो, लेकिन आज भी उनके करोड़ों फैंस हैं जो उनको अभी भी पसंद करते हैं। तो इसीलिए गाइज मैं आप लोगों तक ये वीडियो बनाकर दिखा रहा हूं, क्योंकि आपको भी पता चले कि हेमा मालिनी जी का घर कैसा है और वो मुंबई में कहाँ रहती हैं। ये घर जो आप लोग देख रहे हैं, ये घर इतना ज़्यादा खूबसूरत है और इससे ज़्यादा खूबसूरत घर के अंदर का इंटीरियर सजाया गया है। देखिए ये वाला जो गेट है ना, इसके अंदर कुछ पेड़ पौधे ज़्यादा लगाए गए हैं और काफ़ी लंबा पीछे तक यहाँ पर गैप भी दिया गया है। देखिए मैं वो आपको ऊपर तक थोड़ा दिखा रहा हूँ। आपको बता दूँ कि हेमा मालिनी ने बॉलीवुड के ही मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र पाजी से शादी रचाई थी। ये जोड़ी जो है 70 के दशक में काफ़ी मशहूर रही है। करीब 9 साल के रिलेशनशिप के बाद फिल्मी पर्दे की इस हिट जोड़ी ने 2 मई सन 1979 को शादी रचाई। हेमा मालिनी जी जो हैं और धर्मेंद्र जी, इनकी दो बेटियां हैं ईशा देओल और अहाना देओल। इसके अलावा हेमा मालिनी अब राजनीति में आ चुकी हैं और वो मथुरा से तीसरी बार जो है वो सांसद भी बनी है। गाइज आपको बता दें कि जो यहाँ पर धर्मेंद्र पाजी हैं, उन्होंने दो शादी की थी। पहली शादी जो उन्होंने की थी, उनके बेटे हैं सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता देओल और अजीता देओल। और जो यहाँ पर हेमा मालिनी जी हैं, वो धर्मेंद्र जी की दूसरी पत्नी हैं। और धर्मेंद्र जी की जो दूसरी पत्नी हेमा मालिनी जी हैं, उनकी दो बेटियाँ हैं, उनका नाम है ईशा देओल और अहाना देओल। तो यहाँ पर जो हेमा मालिनी जी हैं, वो अपनी बेटियों के साथ इसी घर में रहती थी। फिलहाल अब दोनों बेटियों की शादी हो चुकी है, तो हेमा मालिनी जी इस घर में अब अकेली रहती हैं। और जो यहाँ पर सनी देओल और बॉबी देओल हैं, वो यहाँ पर जो मैंने आपको पिछला वीडियो दिखाया था कि उनका घर कहाँ पे है, वो लोग इस घर से 800 मीटर दूर एक घर है, वहाँ पर रहते हैं। हेमा मालिनी मुंबई के पॉश इलाके जुहू में रहती हैं। ये घर उन्होंने पति धर्मेंद्र के साथ मिलकर 30 साल पहले खरीदा था। ये बहुत शानदार बंगला है, लेकिन अब वो ये यहाँ पर अकेली रहती हैं और धर्मेंद्र जी कभी कभार उनसे मिलने आते रहते हैं। धर्म पाजी अपने दोनों परिवार से दूर फार्म हाउस पर रहते हैं। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र दोनों के घर मुंबई के जुहू इलाके में हैं और जो धर्म पाजी का फार्म हाउस है वो हिमाचल में है। धर्मेंद्र के घर से हेमा का घर जो है, हेमा मालिनी का, वो महज 5 मीटर की दूरी पर है, लेकिन वो कभी भी अपने पति के घर नहीं गई हैं। इतना ही नहीं, जुहू स्थित इस घर में हेमा के साथ उनके
8 नौकर रहते हैं। दोनों बेटियों की शादी के बाद अब हेमा इस बंगले में अकेली ही रहती हैं। हेमा मालिनी ने अपने घर को पारंपरिक तरीके से सजा रखा है और उनका जो ये घर है इसकी सजावट साउथ इंडियन टच करता है, मतलब साउथ इंडियन लोग जैसे रहते हैं उसी तरह से हेमा मालिनी जी ने इस घर को पूरा सजाया हुआ है। उनके आलिशान इस घर में हर चीज़ बहुत ही सलीके से रखी गई है। हेमा मालिनी के घर की दीवारों पर बहुत ही बड़ी बड़ी पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। ड्राइंग रूम में बड़े बड़े अलग अलग रंगों के सोफे रखे हुए हैं और हेमा मालिनी के घर में बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियां हैं जिससे बाहर का नज़ारा आसानी से दिखाई देता है। इसके अलावा हेमा मालिनी ने एक और घर भी खरीदा है जो गोरेगांव ईस्ट में स्थित है। आपको बता दें कि मथुरा से सांसद हैं, 3 बार से लगातार बीजेपी की तरफ से सांसद बन रही हैं और मथुरा के वृंदावन के ओमेक्स हाउसिंग सोसाइटी में उन्होंने अपना खुद का घर लिया हुआ है। पति धर्मेंद्र जी के साथ वो अपने नए घर में पूजा करने भी पहुंची थी। हेमा मालिनी और उनके घर की तस्वीरें अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं, जिनमें से ये एक घर जो है फिलहाल प्रेजेंट टाइम में वो इसी घर में रहती हैं। गाइज, हेमा मालिनी जी का पूरा नाम हेमा मालिनी चक्रवर्ती है। इनको लोग ड्रीम गर्ल के नाम से जानते हैं और इनका जो गृहस्थान है जहां पर इनका जन्म हुआ है वो है तिरुचिरापल्ली जिला तमिलनाडु में, और इन्होंने स्कूल की पढ़ाई आंध्र प्रदेश से किया है और जब ये 10वीं के बाद दिल्ली तमिल एजुकेशन में चली गई थी वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इनका घर है काफ़ी शानदार है और सभी सितारों की तरह इनके गेट के अंदर भी बांस के डंडे लगाकर पूरा पॉलीथीन से ढका गया है, क्योंकि बारिश के मौसम में बारिश ना हो, जो भी खाली बरामदे हैं जहाँ पर लोग घूमते टहलते हैं इसलिए इसको पूरी तरह से ढक दिया गया है। हेमा मालिनी के पास करीब 450 करोड़ की कुल संपत्ति की ये मालकिन है और हेमा मालिनी मुंबई के गोरेगांव एरिया एक नया बंगला खरीदा है। वह साल 2004 में बीजेपी में शामिल हो गई थी और उसके बाद उनका राजनीतिक जो करियर है वो शुरू हो गया था। अगर गाड़ियों की बात करें तो इनके पास मर्सिडीज बेंज ML क्लास, आडी Q5 और हुंडई की गाड़ी शामिल है और अक्सर ये आपको मर्सिडीज बेंज और आडी Q5 में ही घूमते हुए नज़र आती हैं। इतना ही नहीं, हेमा मालिनी नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की चेयरपर्सन भी हैं। हेमा मालिनी की बॉलीवुड की बात करें तो वह शोले, सत्ते पे सत्ता, बागबान, अंदाज, राजा जानी, कुदरत, अली बाबा और 40 चोर, जानी मेरा नाम जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में अभिनय किया है और काफ़ी अच्छी फिल्म भी साबित हुई है। तो गाइस, यहाँ पर देखिए मैं आपको ऊपरी माले से सब कुछ जूम करके दिखा रहा हूँ कि ड्रीम गर्ल से जानी जाने वाली जो हीरोइन है हेमा मालिनी जी, उनका घर कैसा है जिसमें वो रहती हैं। देखिए गाइज, ये वही चिट्ठी है जब मनी को हेमा मालिनी जी ने खुद चिट्ठी लिख के उनको अपने घर पे इनवाइट किया था, तो आप लोग पढ़ भी लीजिएगा। देखिए, ये इसी गेट के अंदर का है। जब मनी अपनी मम्मी को लेके अंदर एंट्री करते हैं, वो गेट जो दिख रहा है उसी गेट के अंदर का है, तो वहाँ का नज़ारा कुछ आपको ऐसे देखने को मिलेगा जैसे ही आप डोर ओपन करोगे बहुत लंबी सी एक गैलरी पड़ेगी और उसी गैलरी के रास्ते वो लोग जा रहे हैं। देखिए, ये जो आपको स्क्रीनशॉट लगाया हूँ ये उसी गैलरी के अंदर का है जहाँ पर साइड में काफ़ी पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं और पूरा आगे से गैलरी जैसा बना हुआ है। और ये घर के अंदर का जो लिविंग एरिया है उसका ये आपको पिक दिखा रहा हूँ, काफ़ी शानदार है। और इस बंगले में बहुत ही बड़ी बड़ी धर्मेंद्र पाजी और हेमा मालिनी जी की तस्वीरें भी लगाई गई हैं जो पेंटिंग किया गया है। देखिए, यहाँ पर मनी जब जाता है तो हेमा मालिनी जी और ईशा देओल इनसे मिलती हैं और इनके लिए खीर भी बनाती हैं। तो गाइज, यही घर है, इसी घर में लोग अभी भी रहती हैं। तो उम्मीद करूँगा कि ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। इसी तरह का ब्लॉग पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आपको बहुत ही अच्छा अच्छा ब्लॉग वीडियो बनाकर दिखाता रहूंगा। मिलते हैं जल्दी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।